नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी इवेंट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम फिर मैच कवर करने वाले हैं वेस्ट बंगाल वुमेंस T20 का मैच नंबर 16, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा। ARC वुमेंस वर्सेस TOC वुमेंस टीम्स के बीच टी प्लेयर्स करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस पर्सन को। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। दोस्तों, मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। तो लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फैंटसी इवेंट प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 7000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल दिखेंगे तो उनसे आपने सावधान रहना। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का बेस्ट तरीका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल जुड़ेंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, और कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए और सेम यूजर नेम पर देख के 7000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, तो मैच आपसे कुछ देर बाद दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों, मैच होने वाला है बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मेरी विकेट की, तो ओवरऑल विकेट बैलेंस बन के अपने अपनी टीम क्रिएट करना है। बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, खासकर दोस्तों जो स्पिनर्स होते हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पर टर्न मिल रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, वुमेंस के मैचेस में स्पिनर्स वैसे भी ज़्यादा विकेट लेके जाते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को लोग टारगेट करते हैं और जब स्पिनर्स को मारने जाते हैं तो वहाँ विकेट गिरने के चांसेस हाई होते हैं। 100 से 120 के बीच आपको स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ARC वुमेंस के, इनके 5 मैच हुए हैं, 1 मैच में जीत हासिल किया हुआ, 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इनकी तरफ से दोस्तों लास्ट मैच पे ओपनिंग करने आई थी यहाँ पे देवलीना सामंता और षष्टी मंडल। हालांकि दोस्तों देवलीना सामंता एक बॉलर हैं और 8-10 नंबर पर बैटिंग कर रही थी, लेकिन लास्ट मैच जो पता नहीं इनसे क्यों ओपन कराया गया, पता नहीं जो सोच के ओपन कराया हो। उनके जो मेन प्लेयर थे, जिनके ओपनर थे BR बनीता, वो कुछ खास कर नहीं पा रही थी ओपन में, इसलिए वो खुद नीचे शिफ्ट हो गई और यहाँ से नीचे से ओपन करा दिया गया। सामंता ने 0 का स्कोर किया और 0 पे आउट हो गए थे और 1 ओवर की बॉलिंग कराई, 1 विकेट निकाला। उसके पहले 2 ओवर 3 ओवर 2 ओवर और 2 ओवर, मतलब 1-2 ओवर की आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, तो ठीक ठाक पिक रहेंगे। GL में आप रोटेट कर सकते हो, स्मॉल लीग में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगी, पूरे 4 ओवर नहीं डालने वाली। इनके साथ ओपन करने आई थी लास्ट मैच में षष्टी मंडल, जिन्होंने दोस्तों 2 ओवर की लास्ट मैच में बॉलिंग कराई, विकेट लेस रहे और उसके पहले बॉलिंग करा नहीं रही थी। 27, 6 और 5 का स्कोर किया था। पहले मैच में जरूर 3 ओवर कराए थे, मीडियम पेस बॉलर इसलिए टीम उतना यूज नहीं करती, सिर्फ GL में रोटेट करेगा। बैटिंग सिक्स में लाके बढ़िया चॉइस नहीं है, तो अगर स्मॉल लीग भी चाहें तो ऐसे प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रतिभा राणा की, राइट हैंड बैट्समैन लेग स्पिनर हैं, लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, विकेट लेते रहे, 20 रन का स्कोर किया। उसके पहले 28 किए थे, 1 ओवर डाले, विकेट लेते रहे। उसके पहले 44 किए थे, 1 ओवर डाले। बैटिंग से लगातार अच्छा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लास्ट के 3 इनिंग 44, 28 और 20, लेकिन बॉलिंग से 1-2 ओवर की बॉलिंग करा रहे, विकेट मिल नहीं रहा, पूरे 4 ओवर डाल नहीं, तो अपनी टीम में जब प्लेयर ट्राई करिएगा, CV सीमित बनेगा, हालांकि बैटिंग से अच्छे फॉर्म में है। बात करें दोस्तों जूमिया खातून की, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, लास्ट गेम में 3 ओवर डाले, विकेट लेते रहे, 10 रन किए। उसके पहले 2 विकेट निकाले, उसके पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, तो 1-2 विकेट हर मैच में निकाल रही थी। लास्ट मैच में बस विकेट लेस गए, बस CBC की बढ़िया ऑप्शन आएंगी, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, प्लस मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे। VR विनता की बात करें दोस्तों, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं, 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट भी ठीक ठाक मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए हैं, 2 विकेट ही मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों बैटिंग से 15-20 ही स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा बैटिंग से नहीं चल पा रहे, तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही ट्राई करिएगा, CBC इनको भी नहीं बनाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे हर्षदा नीलाद्री वसु को विकेट कीपर बल्लेबाज, लास्ट गेम में 19 के, उसके पहले 4-30, 16, मतलब ठीक ठाक विकेट कीपिंग सेक्शन से स्कोर है, आप चाहें तो जा सकते हैं, इनके साथ ठीक ठाक चॉइस रहेंगी। बात करें दोस्तों यहाँ पे चंद्रिमा घोषाल की, लास्ट मैच में 9 किए, पहले मैच में 2 किए थे, बॉलिंग बैटिंग ज़्यादा आता नहीं, छोड़ दीजिएगा। संजीता अधिकारी ने 1 ही ओवर लास्ट मैच में डाला था, उससे पहले 2-3 ओवर डाल ली थी, तो मेरे हिसाब से GL पे ज़्यादा बढ़िया चॉइस रहेंगे, स्मॉल लीग इनको भी छोड़ देना। मुनमुन खातून को भी आपने छोड़ देना, बैटिंग आएगी नहीं, बॉलिंग ज़्यादा कराती नहीं है। मेघा को सबकी टीम में मस्ट है पिक है, 3 से 4 ओवर कन्फर्म डालेंगे, ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट है, सिर्फ 1 मैच को छोड़ के इन्हें हर मैच में विकेट निकाला हुआ है, तो इनको सीधे अपने अपनी टीम में कवर करना है। पहले मैच में 2 विकेट निकालते हैं और यहाँ पे 2 विकेट ले चुके हैं। कोमल जायसवाल की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेकिन पता नहीं सिर्फ इनसे 1 ही ओवर बॉलिंग कराई गई, जनरली 2 से 3 ओवर डालती हैं, लेकिन 1 ओवर कराया गया। GL में ही ट्राई करेगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगी। बेंच में कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, दिन में कोई खेलता है तो स्ट्रेस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए ARC वुमेंस का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर में आपको ये देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम दूसरी टीम की बात करेंगे यहाँ पे TOC वुमेंस की, लेकिन एक बार फिर बता दूं, फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, क्लिक करके आप तुरंत टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। TOC की दोस्तों बात करें, 5 मैच खेले हैं, 3 मैच में जीत हासिल किया, 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे स्नेहा गुप्ता और संकिता बर्मन। बात करें दोस्तों गुप्ता की, पहले मैच में 13 किए थे, उसके बाद 23, 17, 42, 7, अच्छा खासा स्कोर है। पहले मैच में 3 ओवर बॉलिंग भी डाली थी, लेकिन लास्ट मैच में डायरेक्टली 4 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट ले गई, अच्छी खासी विकेट टेकिंग बॉलर है। ओवरऑल स्टेट्स भी इनका मैंने आपको दिखाया था, और सीधे सीधे हर मैच में आपको बोल रहा था कभी भी बॉलिंग कर जाएंगी और अच्छा खासा विकेट लेके जाएंगे। लास्ट मैच में ऐसा हुआ,
चार ओवर डाल गए पूरे, दो विकेट निकाले। इस मैच में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन जीएल में बनाएगा, स्मॉल लीग में मत बनाएगा, क्योंकि कभी भी बॉलिंग कराती है, कभी नहीं कराती। पहले मैच में तीन ओवर डाले थे, सबको लगा था अगले मैच में बॉलिंग करेंगे, लगातार तीन मैच बॉलिंग नहीं करे, फिर लास्ट मैच में चार ओवर डाल दिए। अब क्या गारंटी है अगले मैच में फिर चार ओवर डालेगी? भाई अपने मन की प्लेयर है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जीएल में ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा। स्मॉल लीग में जब प्लेयर रखिए, सीबीसी मत बनाइए, क्योंकि सीबीसी स्मॉल लीग बनाएंगे तो रिस्की हो जाएगा, बॉलिंग फ्रेश नहीं करेगी तो फिर लॉस में आप चले जाएंगे। बात करें दोस्तों अंकिता वर्मन की, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, चार ओवर में कंफर्म डालेगी। आप देख रहे हैं आखिरी के तीन मैच लगातार चार चार ओवर करा रही, लास्ट मैच में दो रन प्लस एक विकेट, नौ रन तीन विकेट, हर मैच में उस्टिन का विकेट है जब भी बॉलिंग करी हुई। शुरू के दो मैच में 32-38 बैटिंग से भी अच्छा किया हुआ था, लास्ट में बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग से जरूर इंप्रेस कर रहे हैं। बात करें अनामिका दास की, विकेट कीपिंग उमर फुल इस टीम के लिए कर सकती हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, 44-10 का स्कोर किया हुआ है, जीएल पे ज्यादा बढ़िया चॉइस रहेंगी। श्रीलेखा रॉय कुछ खास पिक रहेंगे, छोड़ने पर्णा पॉल भी देखते हैं, जो भी एज ए विकेट कीपर मेंशन उसको कवर करिएगा, पर्णा पॉल मेंशन होती तो आप इनको कवर कर सकते हो, अनामिका दास मेंशन होती तो आप इनके साथ जा सकते हो, दोनों ही ठीक ठाक पिक रहेंगी। बात करें तो सुकन्या परेडा की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट हैंड बैट्समैन मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में दो ओवर किए थे, उसके पहले तीन चार ओवर लगातार कर रही थी, और एक विकेट टेकिंग नेचर की बॉलर है, बॉल फर्स्ट में डेथ में भी आ सकती है, तो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जरूर ट्राई करना। बात करें दोस्तों सागरिका सेन गुप्ता की, कुछ खास चॉइस नहीं रहेगी, छोड़ दीजिएगा रूपल तिवारी, लास्ट मैच में हमने लिया हो तो दो विकेट निकाले चार ओवर डाल के, उससे पहले भी दो विकेट मिला था, उससे पहले जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट, शुरुआत के तीन मैच में विकेट लेस थी, लगातार चार चार ओवर की बॉलिंग करा रही थी। मैं ऐसा कह रहा था रूपल तिवारी ऐसे हो गए, यहाँ से आपको नीचे देंगे रुक्मणी रॉय, ये लोग कभी भी अच्छा खासा विकेट निकाल के जा सकती हैं, बहुत अच्छी दोनों बॉलर हैं। प्रियंका कुर्मी को अपने से छोड़ देना है, कहीं नहीं ट्राई करना है, रिकॉर्ड है रुक्मणी रॉय की। बात करें लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, लास्ट मैच में जरूर दो ओवर डाल के विकेट निकाला, उस पर लगातार देखिए चार चार ओवर कर रही थी, लेकिन ये जिस मैच में चार ओवर करके जाएगी विकेट लेके जाएगी आगे। नीचे देखिए मोनिका माल, ये भी चार चार ओवर करा रही, लास्ट के दो गेम से विकेट इनको मिल नहीं रहा, शुरू में अच्छा विकेट मिला हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में लेके जाइए, अच्छी चॉइस रहेंगी। बेंच पर कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, दिन में कोई खेलता है तो स्टैट्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अभी परफॉर्मेंस है टीओसी बोन्स का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन विद बैटिंग ऑर्डर में आपको प्लेइंग इलेवन देख सकता है। अब दोनों टीम को लाइनअप में अब टॉस को चेंजेस होते हैं, कोई नया प्लेयर आएगा स्क्वाड से लाइनअप में, तो उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, और फाइनल टीम आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अब आगे जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें टीम क्या, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों मैं आपको जो टीम प्रीव्यू बता रहा हूँ प्ले स्पॉट एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, और दोस्तों इसका पॉइंट और क्रेडिट स्ट्रीम सपना इलेवन एप्लीकेशन के जैसे है, तो आप लोग चाहें तो सेम टू सेम सपना इलेवन में या फिर आप जिस भी फैंटेसी में खेलने लगा सकते हो। यदि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वीडियो को इन्फ्यूज करके आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। मेरी टीम क्या देख लेते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में पीपॉल के साथ जा रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन में मैंने यहाँ से वी वनीता, एस वंडल और ए वर्मन को लिया हुआ है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने पी राणा, एम घोष, जुमिया खातून और यहाँ से एस गुप्ता के साथ जा रहा हूँ, बॉलिंग सेक्शन से मैंने एस परेडा, मोनिका माल और यहाँ से मैंने आर तिवारी को अपनी टीम में रखा हुआ है। कैप्टन की बात करें दोस्तों, कैप्टन में वर्मन किया हुआ है, वाइस कैप्टन में जुमिया खातून है। अब दोस्तों गुप्ता को आप सी गुप्ता एस गुप्ता को आप सी बी सी बना सकते हो, लास्ट गेम में पूरे चार ओवर डाले थे, ओपन भी आई थी, दो विकेट भी निकाले थे, सात रन किए थे, क्लियर कट कैप्टन होगी काफ़ी लोगों की, लेकिन मेरी कैप्टन नहीं रहने वाली, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले मैच में तीन ओवर डाले थे, उसके बाद लगातार तीन मैच में बॉलिंग ही नहीं की, फिर चार ओवर डाले। अब क्या गारंटी है कि लास्ट अगले मैच में फिर चार ओवर डालने वाली है? भाई अपने मन की प्लेयर है, पहले मैच में चार ओवर डाले, फिर तीन मैच नहीं डालती, फिर चार ओवर डाल जाती, तो हम अगले मैच में पाँचवीं में कैसे कैप्टन बना सकते हैं? हो सकता है एक भी ना कराए, तो इसीलिए मैं अभी स्मॉल लीग में कैप्टन करके नहीं जाऊँगा, जीएल के अंदर कैप्टन जरूर कर दीजिएगा, दिन का चार ओवर बॉलिंग कन्फर्म होता तो मैं गुप्ता कैप्टन जरूर करता। कैप्टन में वर्मन किया हो, जो कि लास्ट की तीन गेम से लगातार चार चार ओवर की बॉलिंग करा रहे हैं, चार ओवर की बॉलिंग करेंगे, ओपन करेंगे, वाइस कैप्टन में जुमिया खातून है, और आप जिसको रिस्क लेना है तो गुप्ता के साथ जा सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी प्लेयर है, लेकिन बॉलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी अभी के लिए मेरी टीम है ये, लेकिन मेरी फाइनल टीम नहीं, इस टीम में कुछ भी फाइनल अपडेट होता है तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, लिंक पर क्लिक करके तुरंत आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मैंने आपको टीम प्रीव्यू प्ले स्पॉट पर दिखाया, तो आप लोग प्ले स्पॉट पर खेल साइन अप करना चाहें तो इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर साइन अप कर सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।